हम दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल डोनटेक में। दोस्तों अगर आप एक ही मोबाइल का WhatsApp जो है दूसरे मोबाइल में चलाने के लिए कोशिश करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। जनरली होता क्या है, सपोज मेरे इस वाले डिवाइस का जो WhatsApp है मैं इसमें लॉग इन कर रहा हूँ तो यहाँ से क्या होगा, वो लॉग आउट हो जाएगा पहले वाले डिवाइस में से। तो अभी क्या करेंगे, सेम नंबर से दो अलग अलग डिवाइस में आप WhatsApp चला सकते हैं। तो अभी प्रोसीजर है वो बताने वाला हूँ आपको। तो इसके लिए करना क्या है आपको, सबसे पहले तो वो वाला डिवाइस जिसमें आप WhatsApp चलाना चाह रहे हैं या हैक करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी प्ले स्टोर से, व्हाट्स वेब स्कैन। इसे ओपन कर लेते हैं दोस्तों। इतना ही ओपन होती है, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी मजेदार वीडियो मिलती रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा कुछ भी काम करने से पहले तो आप सोच लीजिएगा कि आपको किसी भी रैंडम पर्सन के साथ ऐसा नहीं करना है, किसी रिलेटिव के साथ ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये प्राइवेट चीजें होती हैं, वो आप पर इस चीज के लिए केस कर सकते हैं, पुलिस केस हो सकता है, तो उसमें काफी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अगर आपके अपने खुद पर्सनल करना चाह रहे हैं या फिर घर के किसी मेंबर पर आप देखना चाह रहे हैं कि वो कहाँ पर चैट करते हैं, किस तरीके से चैट करते हैं, या जैसे आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, एज अ पेरेंट्स आप उस पर ध्यान रख सकते हैं, तो वहाँ ठीक है, लेकिन किसी के साथ प्राइवेसी डिस्टर्ब मत कीजिएगा किसी की। तो दोस्तों करना क्या है आपको, एप्लीकेशन ओपन कर लिए तो यहाँ पर सबसे ऊपर वाला ऑप्शन आता है वेब स्कैन का, इसे स्कैन करेंगे तो यहाँ पर आपका होगा क्या, सेकेंड वाला ऑप्शन आता है जो, इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक QR कोड जनरेट होगा और यहाँ पर QR कोड आ चुका है। अभी करना क्या है, इस वाले डिवाइस का WhatsApp हमें इस डिवाइस में चलाना था तो हम क्या करेंगे, इससे इसे स्कैन करना होगा हमें। तो यहाँ पर WhatsApp ऑन करने के बाद 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है लिंक डिवाइस, इस पर क्लिक करेंगे, सेम लिंक डिवाइस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद करना क्या होगा आपको, इस QR कोड को इससे स्कैन करना पड़ेगा। तो सेम चीज हम कर देते हैं, ये देखिए जैसे ही स्कैन आपका पूरा हो जाएगा तो इस डिवाइस का जो WhatsApp है वो इस डिवाइस में आपका शो होने लगेगा, उसका क्लोन बन जाएगा। तो नंबर एक ही है, डिवाइस दो अलग अलग है और दो ही आपके WhatsApp चलेंगे। तो ये डिवाइस हमारा स्कैन हो चुका है तो ये तो हम कर देते हैं साइड में। अब हम बात करते हैं इस वाले डिवाइस की। इस डिवाइस में आप देख पा रहे होंगे पूरा WhatsApp आपका क्लोन बन चुका है, यानी हैक हो चुका है इस वाले डिवाइस से। बैक करके मैं एक बार दिखा देता हूं, ये देखिएगा दोनों सेम है आपके, तो कुछ इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, एक ही सिंगल नंबर का जो WhatsApp है दो अलग अलग डिवाइस में चला सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, ऐसा अगर आपके साथ हो जाता है तो आप इस चीज से कैसे बच सकते हैं, अगर आपको पता लग जाए कि आपके डिवाइस को किसी ने हैक किया हुआ है, आपके WhatsApp कोई किसी और नंबर पे भी चल रहा है, तो जिस वाले डिवाइस सपोज इसका WhatsApp था इसमें चल रहा है, तो इससे क्या करेंगे हम, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, सिम 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद लिंक डिवाइस पर क्लिक करेंगे और जो हमारा डिवाइस यहाँ पर दिखा रहा है एक्टिव, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, एक लॉग आउट एक क्लोज, तो लॉग आउट पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये देखिएगा यहाँ से ही अपने आप लॉग आउट हो जाएगा। तो दोनों चीजें आप WhatsApp को हैक कर सकते हैं और अगर आपका किसी ने कर लिया तो इस तरीके से आप उसे डिवाइस को अनलिंक कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बच भी सकते हैं अगर आपके डिवाइस को किसी ने लिंक किया हुआ है तो। और दूसरा, आपसे फिर से यही कहूंगा, किसी भी रैंडम पर्सन का या रिलेटिव्स का ऐसे ना कीजिएगा क्योंकि ये प्राइवेट चीज होती है, आप अगर किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब करते हैं तो वहां पर आता है आपके ऊपर केस हो सकते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। ये ट्रिक ऐसी है जो आप अपने नॉर्मल रूटीन के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो WhatsApp हैक किस तरीके से किया जाता है दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और साथ ही साथ ये वाला जो एप्लीकेशन है जो WhatsApp वेब स्कैन वाला है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।